नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की मीटिंग थी और ये जनरल हाउस की मीटिंग हंगामेदार इसलिए रही क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दिनों पावर और पानी का क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जब बरसात होगी तो नगर निगम की क्या तस्वीर है, नगर निगम ने पिछले साल से लेकर के इस बरसात तक क्या काम किया, वो भी पोल खुल जाएगी। ये इन सब विषयों पर आज जमकर के चर्चा की गई और हर एक कारपोरेटर ने अपने अपने वार्ड की स्थितियों से कारपोरेशन के अधिकारियों को, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को आईना दिखाया है। लेकिन आपको बताते चलें कि हमने कुछ रोज पहले ये भी डिस्कस किया था कि जम्मू नगर निगम एक ऐसा निगम है जिसका अपना बजट ही नहीं है। चर्चा करेंगे द्वारका चौधरी जी, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, श्यामलाल जी वासन आपका भी स्वागत है, निर्दलीय हैं, और राजेंद्र शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। आपको हम बताएं राजेंद्र जी, अपने दर्शकों को पहले हम ये बताते हैं कि उस दिन के कार्यक्रम में आपने क्या क्या कहा था, जो उस कार्यक्रम में पैनलिस्ट थे उन्होंने बजट को लेकर के क्या कहा, पहले हम ये आपको सुनाते हैं। हम सभी ट्रांजिशन फेज में हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसके चलते आज तक ये बात सही है आपकी कि बजट पेश नहीं हुआ, तो इसीलिए ये डिस्कशन में आया इशू जी, बजट क्यों नहीं पेश हो रहा है, और जबकि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और ये पेश होना चाहिए। इसीलिए इस बार मैंने प्रश्न किया था कि हमारा बजट बनता है कि नहीं बनता है, और अगर नहीं बना है तो कब से नहीं बना है, तो उत्तर में ये आया कि हमारा जो फाइनेंशियल बजट है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियल हेड्स बता दिए, जैसे कैपेक्स है उसमें इतना पैसा आया, ग्रांट इन एड में इतना आया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन बजट का कोई नाम नहीं था। इसीलिए हाउस में हमने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि हमारा बजट बनना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और जो GFR रूल्स हैं जी, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं जी, 2017 के जी, वो ये सुनिश्चित करते हैं जी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन जहां भी पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर हो जी, इन्वॉल्वमेंट हो, और वो बजट बनाना चाहिए उसको, और बजट बनना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 साल हो गए बने हुए, इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज ऐसा डिबेट करने का मौका मिला, चर्चा चल रही है हाउस में, चर्चा चल रही है, 3 साल के अंदर बजट क्यों नहीं पेश हुआ। देखिए अपेक्स लगता है, GIA जनरल, और आप देखिए रेवेन्यू जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितना मिल रहा है। पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 7 करोड़ रेवेन्यू देती थी जम्मू की जनता जी, आज जम्मू की जनता रेवेन्यू दे रही है 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मगर जम्मू की जनता पे कितना पैसा लग रहा है, इनका प्लानिंग क्या है बजट की। मैं कहता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर को भी नहीं पता बजट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे कितना भेज रही है, उनको ये भी नॉलेज नहीं है, और जो पैसा आ भी रहा है क्या मेयर साहब उसको अप्रूवल देके बजट पे पास करते हैं, शायद मेयर साहब को भी इसकी नॉलेज है। और बड़ी बात ये है कि आज जम्मू शहर में देखिए स्मार्ट सिटी का भी काम लगा है, स्मार्ट सिटी हमारे पास है, मगर उसका भी बजट होना चाहिए, उसका भी वो गवर्नमेंट का पैसा है, इंडिया से पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, मगर हमें जम्मू कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटों को भी नहीं पता ये पैसा कहाँ लग रहा है। बिल्कुल, मैं तो राजेंद्र जी आपने देखा इस बार आपके हाथ में बजट थमाया तो गया है, लेकिन जब मैंने उस बजट को देखा है वो बजट अपने आप में बजट नहीं है। बजट में हमें दिखाना होता है कि हम फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च करेंगे, किस किस पर खर्च करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर में हमारी आमदन क्या होगी, चाहे वो सेंट्रल असिस्टेंट हो या फिर जो अपना हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन आज चर्चा का विषय ये ज़रूर रहेगा कि राजेंद्र जी वाकई में क्या जम्मू नगर निगम तैयार है बरसात को लेकर के। जम्मू नगर निगम का काम जो है बहुत ही टीडियस और बहुत ही मेहनत वाला काम है जी, ये एक ऐसी एजेंसी है जिसको एग्जीक्यूट करना है, और इसमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, मैन पावर की और मशीनरी की जी। GMC जब बनी थी तब से लेकर आज, उसके बाद में जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए और आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं,
आप देखेंगे उसमें सुधार जरूर हुआ है जी। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन अब इससे भी आगे सुधार करने की जरूरत है। हमें मैकेनाइजेशन करनी है, अपने इक्विपमेंट बढ़ाने हैं, मशीनरी बढ़ानी है, मैन पावर बढ़ानी है और प्लानिंग बढ़ानी है जी। क्योंकि हम वी आर अप्रोचिंग टू ए आइडलिज्म। आइडलिज्म को अप्रोच करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस आता है और वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है, और इसी को प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए जब हमारी ये 2018 में कॉर्पोरेशन बनी जी। तब से आज तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये बड़ी है जी। लेकिन राजेंद्र जी, आप तो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, मजबूरियां हैं, वास्तव में आपसे जानना चाहूंगा क्या जो रफ्तार है विकास की जम्मू नगर निगम की, क्या आपसे संतुष्ट हैं? रफ्तार तो धीमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कछुआ चाल चल रहे हैं ये लोग, बिल्कुल कछुआ चाल चल रहे हैं। मैं बात करूंगा यही पर, हम डिसेबिलिटी की बात करें, नाले की बात करें, मैनर, और आप हमारे 3 साल से 3.5 साल हो गए हैं, मैन एंड मशीनरी दोनों बढ़ गई, जो कि अब तक नहीं बढ़ पाई है। पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन आज तक देखेंगे अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, जब बरसात शुरू होगी सब कुछ सामने आ जाएगा कि कितनी हमारी डिसिल्डिंग हुई है, कितने हमारे नाले की कंस्ट्रक्शन हुई हैं, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैन एंड मशीनरी बढ़ाने की जरूरत है, जब तक वो नहीं बढ़ेगी, प्लानिंग के साथ काम नहीं होगा, तो ये हशर हमारा होता रहेगा जी। यानी आपको लगता है कि एक घंटा लगातार बारिश पड़ रही तो उसके बाद देख जाएगा कि क्या नगर निगम की पोल खुली है? मैं खुद आपको देखो, मेरे साथ जो बीता है जी, 3 बार में जो हमारा राजीव नगर का नाला है, एक बार नाले में इतना फ्लड आया, कुछ आदमी चार पाई के समेत उसमें चला गया नाले, वो तभी में चला गया, तभी में चला गया। उसके बाद तीनों साल जो मैं रहा था कार में, तीनों साल वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है नाले के कारण, नाले के ओवरफ्लो के कारण। एक बार 10 मकानों का डैमेज हुआ, दूसरी बार 11 का हुआ, और अभी पिछली बार 12 मकान बह गए और बहुत सारा डैमेज हुआ। और मुझे, मेरे एक दोस्त थे ITBP में, मुझे उधर उनसे फोर्स की मदद लेनी पड़ी, और 2 बार मैंने फोर्स 25, एक बार 25 आदमी, एक बार 28 एमरजेंसी में मंगवा के मैंने वो प्लगिंग की, वो क्रेट वगैरह डालने में मदद की, सैंड बैग्स डालने की मदद की। तो इस बार भी कह रहा हूँ, अगर वो नाले की कंस्ट्रक्शन का नहीं बरसातें पहले हुआ तो नुकसान तो उनका जाहिर है कि वो होगा। जोसेफ, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में हर साल डिसिल्टिंग के लिए पैसा आता है, क्या जम्मू नगर निगम में भी ऐसा कोई प्रावधान है कि हर साल इस पे पैसा आता है और खर्च नहीं हो पाता है? पहले तो आपका शुक्रिया जी जी, आज ही हमारा हाउस हुआ है और हम सीधे वहां से जहां आए जी। जैसे आपने इरिगेशन का वाल पूछा जी, तो मेरा भी जो बाढ़ है उसके अंदर से एक नहर निकलती है पास से, और इस टाइम क्या हुआ था, उसकी कभी भी पूरी इन्होंने डिसिल्टिंग नहीं की आज तक जी। इतना पिछले दिनों हमने कह कह कर उनको, इतना लिफाफा भर जाता है वहाँ, इतनी गंद डाला जाता है, और इनको जो निकालते हैं बिल्कुल, जब पानी छोड़ना होता नहर में 2-4 दिन पहले ठेकेदार आता है और जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। आज तक वहाँ से जो इन्होंने डिसिल्टिंग करके बाहर निकाला था, उसे गार्बेज वगैरह जो भी था, आज तक नहीं उठाया। कह कह कर मैंने चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन किए, एक्सएन साहब को वहाँ बुलाया, AW साहब को बोला, वहाँ मैं खुद भी गया, और एक दिन रात को फिर हमारे पास वहाँ श्याम चौधरी जी भी रहते हैं, उन्होंने भी हम इकट्ठा कहा, तो फिर वहाँ पर आए और इन्होंने कि आज तक भी वहाँ इनका गाना पड़ा, हम सेटिस्फाई नहीं है इरीगेशन से। इरीगेशन वाली बात थोड़ी, जो इंटरनल नाले हैं जो सीवरेज के लिए, उसके डिसिल्टिंग के लिए क्या हर साल पैसा कॉर्पोरेशन के पास आता है? वो मैं वही बात कराया हूँ, जो नाले हैं, मेरे से पहले श्याम जी भी बता रहे थे जी, आज भी वही हाल है जो नालों का पहले था जी। नाले फुल भरे पड़े हैं, अभी एक घंटा बारिश होने के बाद बिल्कुल पोल खुल जाएगी, कितनी सफाई हुई है शहर के अंदर जी। अभी आप सीधा नानक नगर और संजय नगर के अंदर से एक बड़ा नाला बहता है जी, और नानक नगर वार्ड नंबर 42-43 के अंदर से जाता है, एक इधर से जाता है, पूरा भरा हुआ है जी। मैंने CTO साहब को आज से 3 दिन पहले लेकर के पूरे नाले का चक्कर कटवाया जी, और वो क्या करते हैं 3-4 दिन लेबर लगाते हैं, फिर कहीं उठा के ले जाते हैं। आज ही हमें चेयरमैन साहब ने बोला वहां जाना है,
आज कमिश्नर साहब का टूर है वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ पे लेबर लगने नहीं देते और वो नाला साफ होता नहीं। इसलिए जो ये दावे कर रहे हैं कि शहर के अंदर हमने नाले साफ कर दिए, हमने ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू कर दिया है, बिल्कुल खोखले नारे हैं। ना तो ग्रीन जम्मू हुआ है ना क्लीन जम्मू हुआ है। ग्रीन की जो बात है, जो हमारी पार्क्स वगैरह बन रही हैं, जब मैं 2005 में कारपोरेटर था तो पहले साल ही हमें लेटर आया था कि कोई जगह बताओ, कोई सरकारी जगह हो जी, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम पार्क डेवलप कर सके, तब भी की थी जी। और वो आज भी अगर कहीं जगह है जहाँ को उसके लिए पैसा आता, वो पहले भी आता था जी। तो मेरे ख्याल में कोई लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा है। आज के जवाब आपको देना पड़ेगा, खोखले दावे, उन्होंने बड़ा अप्रोप्रिएट शब्द यूज किया कि खोखले दावे, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू कुछ भी नहीं है। इन्होंने नालों की जो बात की है, विनोद जी आप भी जानते हैं जी, ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रॉब्लम है जी, नालों वाली। तो आप आए थे, लोगों को उम्मीद थी कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम खड़ा उतर रहे हैं, वही देखो कोई चीज डिस्कस करेंगे तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा ना जी। आप ये देखें ईमानदारी के साथ कि जितने भी हमारे नाले हैं वो सारे नैरो हो गए हैं, वहां इंक्रोचमेंट हुई है और उन्हीं नालों के साइड साइड पे ये जो इंक्रोचमेंट है ये भी नगर निगम मिलकर के ही करवाता है। आपके इंस्पेक्टर पैसे खाते हैं तभी तो दीवार आगे जाती है। नहीं, नालों पे इंक्रोचमेंट होना अलग बात है, क्योंकि नालों पे कोई भी मकान नहीं बना सकता, लेकिन वैसे बने हैं। आप चाहे नाना नगर का एरिया ले लीजिए, चाहे इनका बावे वाला एरिया ले लीजिए, जब नाले छोटे हो जाएंगे तो पानी ने तो अपना रास्ता निकालना है, वो दिक्कत है। लेकिन ये हर सिटी में आती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, चीज़ें बढ़ती हैं आगे। इसका समाधान ये है कि हमें नालों को डाइवर्ट करना है, जो सिटी में नाले आ रहे हैं जहाँ से ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं उसको डाइवर्जन का कोई प्रोसेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मकान तो हटा नहीं सकते। कुछ डेरीज हैं उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि उनका जो गोबर उसमें जमता है वो नीचे बैठ जाता है, वो तो डेली आएगा तो डेली तो अब नाला साफ कर नहीं सकते ना, ये तो एक ऐसी समस्या है। तो प्लानिंग चाहिए इसमें, लेकिन ज्यादा प्लानिंग चाहिए। शानदार तरीके से आप समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, समाधान समाधान बता रहा हूँ। जब तक हम इनके नालों को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो सिटी में कंजेशन होने के वजह से ये समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। और डाइवर्जन के लिए हमें पहाड़ों की तरफ जो इनका रूट है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, प्लानिंग की जरूरत है। कॉरपोरेशन अभी हमारी 2019 में बनी है, पहले 2005 में बनी थी, बीच में तो इलेक्शन ही नहीं हुए और अभी इलेक्शन हुए हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हर कॉरपोरेटर ने काम किया है। और हम आप दावे के साथ कहते हैं, बिल्कुल कह रही है, खोखले दावे होते हैं। देखिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका अपना ओपिनियन है और ये भी मान देखे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम किए हैं अपने वार्ड में, लोग इनसे प्रसन्न हैं और तभी तो इनको दूसरी बार भी इतने वोट दिए लोगों ने। इन्होंने काम किया होगा ना वार्ड में, तो किसने किया? आप अपने आपको बचा रहे हैं, पता नहीं मैंने बचा रहा आपको, लेकिन तो करना ही है। आप उनकी तारीफ करके ये बात भूल जाइए, काम हुए वो आपको छोड़ेंगे और काम चल रहे हैं। हाँ, बड़े स्तर पर प्लानिंग की जरूरत है और वो भी होनी चाहिए, ये एक सृष्टि का नियम भी है। जैसे जैसे मेजोरिटी आती है कॉरपोरेशन में भी आएगी और हमारे जितने भी भाई हैं वो प्रयास भी इसमें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और अच्छे काम होंगे। शाम जी मुझे एक चीज बता दीजिए, क्यों मिसलीड क्यों करते हैं, ये कौन से पहाड़ों से नाले आते हैं? आप मुझे बताइए, शहर का पानी आपसे संभाला नहीं जाता जब बारिश आ रही है, ये कौन से पहाड़ों से नाले आ रहे हैं और किनको आप कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हो? आप शाम से जानना चाहूंगा, आप हमेशा मिसलीड करते हैं। आप उनको खुश कर रहे हैं द्वारका जी को कि वो आपको ग्रिल ना करें, कह रहे हैं जी आप बोला ना, देखो आप द्वारका जी गदगद हो गए कि आपने जब कहा कि आप जीत के आए हो, आप दोबारा भी जीते हो, बड़े मार्जिन से जीते हो, आप क्या सोच रहे हो? आप सवाल नहीं पूछेंगे वो? आप ये देखो, आप पर उंगली नहीं उठाएंगे? नरवाल में जितना भी नाला है वो कहाँ से आ रहा है? पहाड़ से। द्वारका जी को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। शाम जी आप बताइए, ये मिसलीड कर रहे हैं, कौन से नाले हैं, कौन से पहाड़ों से नाले आ रहे हैं, इस शहर का पानी से कम नहीं रहा? आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइवर्ट द राजीव नगर में गिरता है, राजीव नगर के आगे नाला बन गया है हमारा, कुछ पोर्शन हमारा रह गया है, वो पोर्शन शायद अभी बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जी मैं मेरे जो दो नाले और हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
क्योंकि एक साइड हम देख रहे हैं जब हम तभी आर्टिफिशियल लेक बनाने जा रहे हैं, जब तक वो नाले की उसका पानी ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, सीपेज प्लांट सीपेज प्लांट बढ़ रहे हैं मेरे गोरखनगर में दो बन रहे हैं, वो नाले एक हमारा पुंछबस्ती का नाला है या राजीव नगर का नाला है, एक और नाला है, तीन नाले उनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट बन रहे प्लांट बन रहे हैं। जब तक वो ना बनेंगे तो प्रॉब्लम है, अगर वो बन जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ी ईज होगी, जो पानी जो है वो ट्रीट हो गया आगे जाएगा। जी द्वारका चौधरी जी, आप मुझे ये बताइए कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि नगर निगम के अधीन जल शक्ति डिपार्टमेंट आ गया, उल्टा मुसीबत बन गई है। पहले लोगों के घरों में टैंकर तो पहुंच रहे थे, अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है सर। आज सारा दिन जो मीटिंग चली है जी, पीएचई पे ज़्यादा बात हुई है जी, और हमारे कमिश्नर साहब ने खुद इस चीज़ को माना है। उन्होंने बोला कि थोड़े दिन, मैंने खुद पेपर में पढ़ा है कि जब से जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिपार्टमेंट आया है तो पीएचई जो पीएचई का काम पहले होता उससे भी कम हो गया जी। जैसे पहले होता था, पहले लोगों को पानी मिलता था, अभी आने के बाद वो भी परेशानी ज़्यादा हो गई है, जबकि लोगों की मुश्किलें दूर होनी चाहिए थी। जब हम लोग, अभी हम लोग इनके पीछे हैं, हम डेली फोन करते हैं एक्शन साहब को, डब्ल्यू साहब को, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे अजी ट्यूबवेल वाले लड़के हैं, शायद कहीं बिजली बंद है तो कहीं कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब से ये डिपार्टमेंट जीएमसी में आया है कोई सुधरा नहीं, आज तक वही हालत है, पहले से भी बदतर हालत है जी। आज जैसे आपने टैंकरों की भी बात की, हर बाढ़ में टैंकरों की ज़रूरत नहीं है, हमारी बाढ़ में 5 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और कुछ मैंने आज भी, ये मेरा रेजोल्यूशन भी था जी, हाँ मेरा क्वेश्चन भी था कि ये बताइए जो हमारे 5 ट्यूबवेल संजय नगर बाढ़ में चलते हैं, पाँचों ट्यूबवेल जो थे स्पेशल लाइन पर चलते थे, स्पेशल फीडर पर, आज से 3-4 साल पहले इन्होंने काट के कुछ लोगों के कहने से जी, जो लोग वीआईपी लाइन चलती थी वो ओवरलोडेड लाइन तो होती है जब ट्यूबवेल भी चलने, उन्होंने कटवा दिए, क्योंकि हमारे घरों में एसी चले, अच्छी बिजली रहे, और 4 साल से वो काटे हुए, 3-4 साल से। मैंने लेटर भी लिखा, सेक्रेटरी कमीशन साहब को भी लिखा, मैंने चीफ इंजीनियर पीएचई को लिखा, एक्सीएन साहब को बोला, बिजली वालों को लिखा कि आप हमारी दोबारा जो है स्पेशल इसको रिस्टोर करो, जबकि सारा खर्चा हो चुका है, उसमें पोल लगे हैं, स्पेशल लाइन ढाली हुई है, लाखों रुपया लगा के वो एक स्पेशल फीडर पे लाइन लगाई हुई है, तो उसको क्यों काट दिया जी? आज करते हैं जी, कल करते हैं जी, इसमें हम देख रहे हैं, और लोकल लाइन पे ट्यूबवेल चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो सब डेली वेजेस को सैलरी भी नहीं मिल रही है, जो डिवीजन आपके अधीन है, बिल्कुल वो भी परेशानी है। क्या करोगे आप, मुझे समझ नहीं आती। डेली वेजरों की बात हमने पिछली मीटिंग में भी की थी जी, और अभी भी हो रही है, लेकिन अब 2-2, 4-4 महीने की उनको सैलरी नहीं मिलती। एक तो सैलरी बहुत कम है बेचारों की, ऊपर से मिलती नहीं। 20-25 साल के लोग संजय नगर डिगियाना में लगे हुए हैं, जिनको आज तक बेचारों को 750 रुपए रेगुलराइज भी नहीं कर रहे, रेगुलराइज भी नहीं हुए 25-25 साल के मेरे पास वहाँ लड़के जी। तो क्या कर रहे हैं जेल जो सब, आपकी धार जो है ना वो कम होगी जब से इन्होंने तारीफ कर दी ना। नहीं वाली कोई बात नहीं है, आपका धार कम होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये इन्होंने जो बोला है, मैं नालों पे आऊँ, कौन से नाले पहाड़ों में आके वहां संजय नगर डिगियाना में जा रहे हैं। आज तो डाइवर्सन हर जगह है, इधर देखो राजेंद्र जी ना मिसलीड कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, दिल्ली से अलग नाला चल रहा है जहां दिल्ली जी, ठीक है, अगर हमारे वहां पानी चल रहा है, जब बरसात आती है तो वह त्रिकुटा नगर से चलता है पानी नीचे, वो वाला पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि नाले तो पहले ही फुल है, निकल नहीं रहे, और जब वो पानी नालों में जाता है तो नीचे तो गंद है, वो गंद के समेत लोगों के घरों में जाता है जी, और लोगों की इतनी बुरी हालत है। पिछले दिनों संजय नगर में हमने 70 फैमिलीज जो हैं उनकी लिस्ट बनाई, 1 रुपया किसी ने नहीं उनको दिया, उनके फ्रिज तबाह हो गए, उनके एसी तबाह हो गए, उनके बेड तबाह हो गए, उनके जितने कपड़े थे वो भी तबाह हो, उनके साथ डिजाइनिंग है दूसरी बार, वार्ड नंबर 43 नानक नगर, वही यही हाल हुआ। हाँ आज से 5-7 साल पहले लोगों को कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 3,000 रुपया मिला था जी, जब जे रेवेन्यू मिनिस्टर थे रमन बला जी, उसके बाद आज तक किसी ने कोई पैसा नहीं। जी राजेंद्र जी, अब आप बताइए, आज तक किसी को पैसा, अब आप बताइए क्या प्लानिंग नहीं की जा सकती है? हमें सब पता है कि वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ पर होती है, हम क्यों इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें ये पता है कि बरसात आएगी उसके बाद ही हम काम करेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, आप देखिए वहाँ
जितने नाले आ रहे हैं वो पहाड़ से ही आते हैं, कोई त्रुटानगर से नाला थोड़ा निकलेगा, नाला ऊपर से आता है, और जितने ये नाले आते हैं उसके साइड पे लोगों ने घर बना लिए। ये होता है, हर सिटी में ऐसा होता है। तो मैंने कहा इसका समाधान ये है, अब जैसे डेली रूटीन में लोगों का पानी चल रहा है, उससे बाढ़ तो नहीं आ रही, बाढ़ आती है बरसात में, वो इसलिए आती है जो पहाड़ों का पानी एकदम से ज्यादा आता है वो नीचे आके तंग करता है। तो उस पानी को अगर हम डाइवर्ट कर देंगे, आप यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ नरवाल में शोरूम है एक बना हुआ कार का, उसके सामने खड़ थी, वहाँ सड़क बना दी, तो वहाँ जो सड़क बनाई है पानी ने तो खड में आना, चाहे आप सड़क बना दो चाहे मकान बना दो, तो वहाँ तंग करेगा। अगर हम उसको ऊपर से कहीं डाइवर्ट करते हैं तो वो समस्या हमें नहीं रहेगी। आप देखो सारे नाले आपके ऊपर से आ रहे हैं, इनके बहु फुट वाला नाला ये भी वहीं से आता है ऊपर से, कोई बठिंडी से आता है, कोई सुजमा से आता है, इसी इलाकों से सारे ये नीचे आते हैं, चाहे वो बलोल वाली खड है, वो मेरा गाँव है सुजमा, तो इसलिए मुझे पता है मैं वहां जाता रहता हूँ, ये सारे नाले वहीं से निकलते हैं। हाँ, इनको वापस ये कंजेस्टेड हो जाते हैं, अब इनको वापस भेज रहे हैं, डाइवर्ट कर दे। प्लानिंग क्या होती है, जैसे हमने जो आप करते हो, जो आप करते हो, जो आप करते हो, जब बरसात आती है डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आप मकान हटा नहीं सकते, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ना, नीचे मकान कैसे हटाओगे, तो आपको पानी को ही डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा आपने कहा पीएचई वाला, पीएचई का डिपार्टमेंट हमारे पास जरूर आया है लेकिन अभी फंड्स नहीं आए हैं। उसके लिए भी हमने प्लानिंग की है, आज भी हाउस में प्लानिंग हुई है कि जो शीतली वाला हमारा वहाँ यूनिट है वो बड़ा पुराना बना है 40-50 साल से जी। तो उसको हम सपोर्टिंग यूनिट उसके साथ एक और बनाएंगे ताकि अगर वहाँ मोटर खराब होती है कि पानी की सप्लाई रेगुलर रहे। दूसरे जो सिटीज में पुरानी पाइप है 50-50 साल की, बड़ी पुरानी पड़ी है, उसको चेंज करना है, लीकेजेस को प्लग करना है, ये सारी प्लानिंग हो रही है। दूसरा जो हमारा ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर्स है लोगों के घर में, अभी हम अभियान चलाएंगे, हर घर में जहां पानी ओवरफ्लो कर रहा है वहां वो लगाएंगे वाल्व, जिसके साथ वो पानी बंद होगा और उसे चार्ज भी करेंगे जी। क्योंकि अवेयरनेस भी जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके लिए, वो भी चल रहा है, सारी प्लानिंग हो रही है कॉर्पोरेशन। ये मेरा कारपोरेटर भाई ये भी वहीं थे, ये भी इसमें चर्चा में भाग लिया है। देखिए चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं कि चीजें नहीं बदल रही, लेकिन इसमें समय भी लगेगा ना, क्योंकि फंड्स हमारे पास आए नहीं। अभी प्लानिंग हमने नए तरीके से करनी है और वो प्लानिंग के लिए हम सब लोग तैयार हैं। अब जैसे जैसे फंड्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हमने, वो सबमिट करेंगे सेंटर को, पैसा आएगा और इस पे काम होगा। लेकिन अब ये देखिए ना, समस्या हमारे पास है और समस्या पे हम समाधान निकाल रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। अब समय तो थोड़ा सा देना पड़ेगा ना आपको, ये तो एक ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन एक टेंडेंसी भी है, हमें आपको समय देना पड़ेगा। श्याम जी, हम देख रहे हैं कि सीमेंटेड रोड्स बन रही हैं, ठीक है, अब ये पहले सीमेंट की मोटी मोटी रोड्स बनाएंगे, उसके अंदर सरिया डालेंगे, उसके बाद ये प्लानिंग करेंगे कि जो पुरानी पाइपें हैं उसको उखाड़ना है, यानी एक बार फिर वो सड़कों को उखाड़ना पड़ेगा क्या? जब सीमेंटेड आप रोड्स बना रहे हो, गलियां बना रहे हो, आपको ये नहीं याद है कि इसके नीचे अगर पाइप्स हैं पुरानी उसको बदलना है? क्यों उठा दी? बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जे अनप्लान्ड है जी। प्लानिंग बिल्कुल, कल को पाइपें निकालनी है, कल को मतलब इसकी है केबल तार जो कुछ भी डालने हैं, तो उसके लिए हर 100 मीटर के बाद ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। ताकि एक बात तो पहले मैं ये कहूंगा, पहले ये देखने वाली बात है जो रोड अभी आज तक कच्चे रोड है उनको उखाड़ के, जो बड़े मोटे रोड है उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको उखाड़ा, उनके जो बने हुए हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, जो नहीं बने पहले उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। ये हमारा गिला है, हाउस के अंदर भी ये गिला रहा है कि जो पहले बिल्कुल नहीं, जो कच्चे थे या बिल्कुल अनडेवलप्ड थे, पहले उनको डेवलप करना चाहिए था, उसके बाद ये उखाड़ने चाहिए थे। क्योंकि ये मैं कहूँगा, जब ये भी कहूँगा कि पैसे की वेस्टेज है, बैलेंस डे से कम होना चाहिए थे यहाँ पर। मैं दूसरी बात, पीएचई की बात आई, मैं उसके लिए भी मैं कहूँगा बात, प्रॉब्लम कहाँ रही? प्रॉब्लम ये रही कि 74th अमेंडमेंट लागू करने में देरी होगी। अगर वो लागू हुई होती, क्योंकि एज पर एक्ट हमारी सेक्शन 169 सब क्लास 1 सब सेक्शन 1 एंड क्लास ए टू सी, ये इसके अंदर ये मैंडेटरी है, ये इसको पानी हर एक घर में पानी देना ये जेएमसी की ड्यूटी है। लेकिन हम फेल हो गए क्योंकि डिपार्टमेंट ही हमारे पास अभी आया जी, और अभी हमारे पास, लेकिन जो पानी के लिए मैं कहूँगा कि पानी की जो बिल्कुल दिक्कत है पानी, अगर मैं बहु फोड़ की बात करूँ, तीसरे दिन पानी आता है, वो भी बूंद बूंद पानी आता, ना पानी का प्रेशर है,
सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है यहाँ में आ रही है तो पानी की प्रॉब्लम। एक बार राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं द्वारका जी के पास। विनोद जी, जो नई गलियां बन रही हैं आप देखो उनके साइड पे टाइल लग रही है, वो इसलिए लगाई जा रही है, टाइल पे खर्चा किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, खर्चा तो फिर भी होगा। पुरानी पाइप्स को निकाला नहीं जाता है बीच में से, वहां रहने दिया जाता है उसको बीच में, क्योंकि उसको निकाल के हमने करना क्या है, दैट विल बी ऑफ नो यूज। जो नई पाइपें डालेंगी वो टाइल उखाड़ के वहां डालेंगी। जितनी भी प्लांट सिटीज है, एक साइड पे आपकी एसेंशियल सर्विसेज चलती हैं, दूसरी साइड पे आपका सीवेज चलता है, और वैसे ही हो रहा है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जो बनी हुई सड़कें हैं उसको उखाड़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी प्लान है उसको हम और अच्छा प्लानिंग में ला सकते हैं। जो कोर एरिया सिटी का होगा, अब जहाँ 4 फुट की गली है वहां बना के तो कुछ होगा नहीं ना, उसको हमको एज ए हेरिटेज सिटी बनाना है। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हमारा शहर सुंदर बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, और शहर के नुमाइंदों को पूछा तक नहीं जा रहा है कि भाई साहब हम यहाँ करने जा रहे हैं, आपके वार्ड में ये करने जा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। और स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने हिसाब से ही काम कर रही है, क्योंकि उनको प्रेशर रहता है कि कितना खर्च किया आपने, खर्चा करने के लिए उस रफ्तार से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज ये रेजुलेशन भी आया था, शाम जी ने डाला था जी, कि शहर में क्यों नहीं पूछा जा रहा कॉर्पोरेटरों को, और जो अपनी मर्जी से आप लगे हुए हो ये डेवलपमेंट करने। डेवलपमेंट क्या है, स्मार्ट सिटी नहीं पूरा बन रहा है, जो स्मार्ट कुछ एरिया काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मीन्स के 75 वार्डों में काम हो और पूरी जगह लगे कि जो स्मार्ट सिटी बनेगा। आज अगर देखा जाए तो चंद वार्डों में काम हो रहा है, या तो ये चौक में हुआ है। हमने मेरे पिछली बार भी ये क्वेश्चन था कि स्मार्ट सिटी पूरे जम्मू के लिए है, जहाँ हम 75 कॉरपोरेटर्स हैं, जहाँ सिर्फ चंद मोहल्लों के लिए है। अफसरा रोड पर बड़ा काम, अफसरा रोड पे पॉइंट हो गया, जहाँ जीवल चौक में थोड़ा सा और लगा दिया, वर्टिकल गार्डन या एक दो जगह और किया, बाकी कहीं नहीं। हमारे एक कारपोरेटर का एक रेजुलेशन था कि जो जे बाड़े ठीक कर रहे हैं वो तो पहले ही थोड़ी बहुत ठीक है। आप जहाँ भी आओ, शहर का इलाका है, हम शहर से जीते हुए लोग हैं, हमें भी पूछो। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, जे मुझे नहीं लग रहा, जैसे आपने बोला कल को पाइप डालनी होगी, ठीक है, दो दो ढाई ढाई फुट वो टाइलें लगा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी। बार और बार टाइल उखाड़ने से भी तो नुकसान होता है, उससे भी नुकसान हो रहा है। और दूसरा, स्मार्ट सिटी के लिए पहले नंबर तो सब 75 कॉर्पोरेटर, जो बोला जा रहा था आज भी मीटिंग में कि स्मार्ट सिटी एक अलग प्रोजेक्ट है, उसका जीएमसी से लेना देना कोई नहीं। हमारे इलाकों में काम हो रहा है, जब हम कॉर्पोरेटर में काम होगा तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। ऐसे तो हमारे कई डिपार्टमेंट हैं जो कॉर्पोरेशन से बाहर है, लेकिन हम उनसे काम करवाते हैं। जब कोई काम करते हैं हमें पूछते हैं, हम उनके पास जाते हैं। लेकिन ये तो सब कहेंगे जी हम तो कॉर्पोरेशन में, लेकिन हमारे एरिया में काम करेंगे तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, हमारा काम है वहाँ देखना। इसलिए मेरा ये सुझाव रहा था कि जी हर एक वार्ड में काम होना चाहिए, और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर हैं, अगर मेरी वार्ड में, मैं बताऊँगा कि जहाँ स्मार्ट सिटी के लिए हमारे पास नहर है, उसके साथ साथ वहाँ फुटपाथ बन सकता है, ग्रीनरी डेवलप हो सकती है, आगे हमारे 60 फुट का रोड ऊपर डिगाने को जा रहा है, क्या उधर ज्यादा पब्लिक रहती है, उनको भी लगे कि हम स्मार्ट शहर। राजेंद्र जी आप आइंड अप करिए, जी राजेंद्र जी आप आइंड अप करिए इस बात को लेकर, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि जब स्मार्ट सिटी का कोई काम आपके वार्ड में हो, एटलीस्ट आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो तो निश्चित होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय पर हो नहीं रही। लेकिन आप ये देखें, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट में आपने काम करना है, और उसी कंपोनेंट पे काम होगा, एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए मेयर साहब जो हमारे हैं, ही इज अ चेयरमैन ऑफ ए सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी। तो जो प्रशासन अभी है थोड़ा ट्रांजिशन फेज में है, थोड़ा अभी उसको हिलाया जा रहा है, ट्रांजिशन फेज का तक करेगी, ये निमोदरी लग जाए, बदल रही है। जी जी देखें जी, बात ये माने, अभी जैसे मैं कहूंगी मेरा न्यू प्लॉट गहरी है, वो कंजेस्टेड एरिया है, उसके लिए स्मार्ट सिटी का कंपोनेंट नहीं होगा तो काम कहां से होगा जी। हाँ, लेकिन जैसे चौधरी साहब ने बोला कि बाकी जगह हो रहा है, लेकिन एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन उसकी पूरी जवाबदारी ले रही है और लेगी। और आज भी काफी प्रश्न स्मार्ट सिटी के बारे में पूछे गए और उसके जवाब दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी हमारे कमीशन हमारे सीईओ हैं, लेकिन फिर भी आज मेरा क्वेश्चन था
कि हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। चलिए 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 श्याम जी, श्याम जी समय का अभाव था, आप हमारे कार्यक्रम में आए, चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।